अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद मोना। दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चपली कबाब मेरे स्टाइल से। इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडों का ऑमलेट, हमने इसे अंडे फेंट के फ्राई कर लिए हैं। मसाले हमें चाहिए पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा जीरा 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, प्याज चौकोर ऑमलेट कट काट लें, हरी मिर्चें 2-4 बारीक काट लें। इसके लिए हमें चाहिए अनारदाना 1 टी स्पून, 1/2 केजी हमें चाहिए कीमा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे में मसाले मिलाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले कीमे में हम मसाले ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा जीरा 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, कुटा हुआ अदरक लहसुन। इसमें प्याज शामिल करेंगे चॉप हुई हुई। अनारदाना शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ऑमलेट को हम हाथ से मसल लेंगे छोटा छोटा, ऐसे करके ऑमलेट को मसल लेंगे, इसका कीमा बना लेंगे, फिर इसे कीमे में शामिल करेंगे। ऑमलेट और सारे मसाले दोस्तों, मसाले इसके अंदर हाथ से अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लें। दोस्तों, बाज़ार में बड़े बड़े चपली कबाब मिलते हैं, हम ये थोड़े दरमियाने साइज़ के छोटे बनाएंगे ताकि अंदर तक पक जाएं। दोस्तों, हमारा प्री हीटेड पैन है, इसमें हमने ऑयल गरम कर लिया है। एक प्लेट में कीमे को ऐसे हमने शेप दे दिया है, अब हम इसे इसमें फ्राई पैन में डालेंगे। दो दो करके कबाब तल लेंगे, इसको हमने ऐसे लंबा शेप दे दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच रख के पकाएंगे, 20 मिनट्स एक साइड से, 20 मिनट्स एक साइड से। दोस्तों, 20 मिनट्स हो गए, लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है, मीडियम लो फ्लेम पे। अब हम इसे पलटेंगे। रेडी, हम अपने कबाब दो दो करके फ्राई कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस देख सकें। हमारे दोनों साइड से कबाब पक गए हैं,
अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। दोस्तों, आपको चपली कबाब की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।